वेलकम बैक टू सीडीए। आई एम पीयूष चंकेश्वरा, इंटरनेशनल सर्टिफाइड कोरियोग्राफर एंड मेंबर ऑफ इंटरनेशनल डांस काउंसिल दैट इज सीआईडी। एज वेल एज आई एम द फाउंडर एंड सीईओ ऑफ कोरियोग्राफर्स डांस इंस्टीट्यूट। हेलो फ्रेंड्स, अपना हा आजचा एपिसोड लास्ट एपिसोड राहणार आहे। इथं आपला फर्स्ट सीझन संपतोय, सो आय होप तुम्हाला फर्स्ट सीझन आवडला असेल आणि तुम्हाला काहीतरी नवीन शिकायलाही मिळालं असेल। बट फ्रेंड्स, ह्या सिरीजच्या मागचं एकच मोटिव्ह होतं की तुम्हाला डान्सबद्दलचं एक्स्ट्रा नॉलेज मिळवं, डान्सबद्दल आवड निर्माण व्हावी आणि डान्सबद्दलचे काही गैरसमज आहेत ते दूर करण्यासाठी मी बऱ्यापैकी ट्राय पण केला। आय होप की तुम्हाला कुठंतरी त्याचा यूज झालाही असेल। इन दॅट केस दिस एपिसोड विल बी लास्ट एपिसोड अँड द सीझन विल बी एंडेड हियर। नेक्स्ट सीझन विल बी कमिंग सून विथ न्यू फीचर्स अँड न्यू सिरीज। आय विल अपडेट यू सून। बिफोर एंडिंग, लास्ट मेसेज फॉर यू गाईज विल बी फॉलो युअर ड्रीम्स। आप सपनों का पीछा करना चालू करो, लेकिन सपने के पीछे तभी भाग पाओगे जब आप सपने देखना चालू करोगे। अगर आप सपनों के पीछे भागना चाहते हो या सपनों को साकार करना चाहते हो या सपनों को पाना चाह रहे हो तो आपको सपने देखना जरूरी है। तो पहले आप सपने देखना चालू करो। फर्स्ट यू हैव टू ड्रीम टू फॉलो योर ड्रीम। आपको मैं मेरा एग्जाम्पल ही दे देता हूँ। कुछ सालों पहले मैंने भी एक सपना देखा था कि मेरा खुद का एक इंस्टीट्यूट होना चाहिए जहाँ पे मैं बच्चों को सिखा पाऊँ या कुछ अपना अलग एक पहचान बना पाऊँ। इस सपने में मेरे अपनों ने बहुत बार मुझे रोका, बहुत टोका, लेकिन मैंने उनकी बात को अनसुना कर दिया। जब आप अपने सपने को फॉलो करना चाह रहे हो और अगर कर रहे हो तो ये बात तो होगी होगी कि आप के ही परिवार में आपके ही पहचान वाले, आपके ही जान पहचान वाले लोग आपको टोकेंगे, रोकेंगे, बहुत कुछ ऐसी बातें भी बोलेंगे कि आपको मतलब ये छोड़ने पे मजबूर करेंगे कि आप जो कर रहे हो वो गलत है, मतलब गुनाह है। लेकिन फ्रेंड्स, सोच लेना कि ये जिंदगी एक बार मिलने वाली है। आप किसी और के इशारों पे जीना चाहते हो कि आपके खुद के कुछ सपने को पूरा करके चैन से मारना चाहोगे। जब मेरे ही अपनों ने मुझे रोका टोका, अगर मैं उस वक्त ये डांस का सपना छोड़ देता तो शायद आज ये वीडियो भी नहीं बनाता और ना ही मैं हजारों बच्चों को सिखा पाता जो आज तक मुझसे सीख चुके हैं। इतने सालों में मैंने हजारों बच्चों को सिखाया है जो डांस के बारे में कुछ भी नहीं जानते थे, वो आज खुद ही अपनी नई कोरियोग्राफी बना रहे थे। और मुझे यही तो चाहिए था। जो मेरे यहाँ पे बच्चे अपने आप से कुछ नहीं बना पा रहे थे कोरियोग्राफी यूट्यूब से या किसी और से कॉपी कर रहे थे, आज वही बच्चे मुझसे ये सीखकर डांस होता क्या है आज खुद ही अपनी मर्जी से जो चाहे वो कोरियोग्राफी बना रहे हैं। मैंने एक डांस से स्टार्ट किया था, मतलब आई नो कंटेम्प्रेरी सालसा, बचाटा, जैज, हिप हॉप, बी बॉय, डबस्टेप, many more dance styles I have learned from my sir and I am still learning with the help of him. आज भी मुझे मेरे अपने वही लोग बोल रहे हैं कि ये क्यों कर रहा है, ये छोड़ दे, कुछ और कर ले या अपने पापा का बिजनेस ज्वाइन कर ले। मेरा यही जवाब है उन सब लोगों के लिए जो आपको भी रोकना चाह रहे हैं आपके सपने पूरे करने से या मुझे मेरे सपने पूरे करने से कि ये जिंदगी एक बार मिलने वाली है। अगर ये जिंदगी मैंने आपकी शरण पे गुजार दी तो ये लॉस होगा, जिसने मुझे जिंदगी दी उसका भी और मेरा भी। अगर आप आपकी जिंदगी आपकी सबसे नहीं जी पा रहे हो तो लालच है आप ये जिंदगी क्यों जी रहे हो। या मालूम है जो आपको चाहिए वो नहीं कर रहा हूं, लेकिन ये तो सही है ना कि जो मैं चाह रहा हूं वही कर रहा हूं तो मैं खुश हूं। तो ये आपको भी बोलना है सभी लोगों को जो आपको बोल रहे कि आपके ड्रीम्स गलत है, उनको मुंह तोड़ जवाब दीजिए जो आपको आपके ड्रीम्स को फॉलो नहीं करने दे रहे। एक तो यही बात है कि उन्होंने उनके ड्रीम्स फॉलो नहीं किए तो ये आपके ड्रीम्स के बीच में आ रहे। अगर यही जिंदगी
आप उनके हिसाब से जीना चाहते थे, उनके हिसाब से जी रहे हो, तो आपको आपकी अलग लाइफ दी थी होती आपके भगवान ने या जिस किसी को भी मानते हो। हर एक को अपने ड्रीम्स को फॉलो करने के लिए उसने आजादी दी है, तो वो आप लोग के बारे में, वो तो वो लोग हैं कौन जो आपको रोक रहे हैं आपके ड्रीम्स फॉलो करने में। ये मेरा फेयरवेल मैसेज है गाइस, जो मैं आज ये लास्ट सेशन कर रहा हूँ आपके लिए। अगर आपको अच्छा लगे तो ये शेयर कीजिए, खुद को प्रूव कर दीजिए खुद के लिए, ना किसी और के लिए। आपके लाइफ में कोई दखलंदाजी देने वाला कोई नहीं आएगा बाद में, जब आपका लास्ट समय आने वाला है तो आपके साथ कुछ नहीं होगा, कोई कोई नहीं रहने वाला आपके साथ, सिर्फ आप और आपके ड्रीम्स रहने वाले हैं। तब आपको पछताने से क्या फायदा जब लास्ट आपका टाइम आएगा और आप बोलोगे यार काश उस समय मैंने अपनी सुन ली होती, ना किसी और की। फ्रेंड्स, आप आपके ड्रीम्स को फॉलो करना चालू करो। नेवर इज लेट फॉर डूइंग समथिंग न्यू। इफ यू लव टू डू एनीथिंग इन एनी फील्ड, जस्ट डू इट। नेवर इज गोइंग टू कम टुमारो, इट इज इन टुडे। अगर आज में आप जी रहे हो तो कुछ है, कल के फिकर में जो हुआ है उसको बदल नहीं सकते, जो आने वाला है वो आपके हाथ में नहीं है, लेकिन आज का दिन तो आपके हाथ में है, उसको तो आप किसी और की लाइफ जी के क्यों बर्बाद कर रहे हो। तो फॉलो करो आपके ड्रीम्स को, जो चाहिए वो अचीव करो और खुद के दिल की सुनने की कोशिश करो। हर एक को अलग पहचान दी है। अगर आपको सबको हम सबको एक ही लाइफ जीनी थी तो हम सबको अलग बनाते ही क्यों, हम सब एक ही तो होते हैं। आज मैं कोरियोग्राफर हूँ, मेरे फील्ड में मुझे मैं जानता हूँ कि मैंने अचीव क्या किया है, तो आई डोंट वांट टू प्रूव टू एनीवन एंड आई डोंट गिव अ डैम विद देम। आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू जस्ट फॉलो योर ड्रीम्स, डोंट लिसन टू एनीवन। ये जो आपको मैंने बोला है ना, ये चार लोग जो आपको बोलेंगे, लोगों का काम है कहना। मैंने पिछले वीडियो में बोला था सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, अगर ये रोग को मैं पकड़ लेता हूं ना तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा लाइफ में, ना उनकी सुन पाऊंगा ना खुद की सुन पाऊंगा। तो ये आपके लिए भी यही लागू होता है, जो आप करना चाहते हो वही कीजिए और किसी की नहीं सुनना। अगर वो इतना सारा पानी एक जहाज को डुबा नहीं सकता जब तक वो जहाज खुद वो पानी को अंदर नहीं लेता, तब तक वो जहाज डूब नहीं सकता। उसी तरह से जो ये लोग हैं, जो ये बातें हैं, जो सारी नेगेटिविटी आजू बाजू है, जो आपके ड्रीम्स के बीच में आ रही है, वो जब तक आपके दिमाग में आप खुद उसको अंदर नहीं लेते तब तक आपको कोई नहीं हरा सकता आपके ड्रीम्स को अचीव करने में। अगर मैं नॉर्मल से टू व्हीलर से आज अपने डांस इंस्टीट्यूट के दम पे अपने ड्रीम्स को फॉलो करके अपनी खुद की एक होंडा एमेज ले सकता हूँ, तो आप भी मेरे फ्रेंड्स कुछ भी कर सकते हो। अगर आप अपने ड्रीम्स को फॉलो कर रहे हो तो ड्रीम्स देखने से ही पूरे होने वाले, बिना कुछ गोल सेट किए हुए, बिना कुछ सपने देखे हुए उस सपनों का पीछा नहीं कर सकते हो। So, see the dreams, follow your dreams and then achieve it. मैंने भी स्ट्रगल की है, मैं भी बहुत खड्डों में गिरा हूँ, किसी ने गिराया है, कई बार मैं खुद गिरा हूँ फिर उठकर चला हूँ। मैंने भी स्ट्रगल में ही ये सब अचीव किया है और भी अचीव करनी है, मेरे भी ड्रीम्स है। तो ये जब तक आप अपने ड्रीम्स देखोगे नहीं, फॉलो नहीं कर पाओगे, और जब तक फॉलो नहीं करोगे कुछ भी हासिल नहीं होने वाला। और जो मैंने अचीव किया है, ठीक है जो पैसे आए हैं या जो भी है, जो सच में कुछ मैंने हासिल किया है ना, तो ये है। मी स्निग्धा शिराळकर। ऍक्च्युअली एक दोन दिवसांपूर्वी काहीतरी लिहावंसं वाटलं होतं, सो ते लिहिलं आणि परत असं वाटलं की जे मी जे काय लिहिलंय ते फक्त माझ्याजवळ ठेवण्यापेक्षा तुम्हा सर्वांसोबत शेअर करावं, सो म्हणून आजचा हा व्हिडिओ बनवते आणि आज मी तुम्हाला सगळ्यांना वाचून दाखवणार आहे मी जे काही लिहिलंय ते। सो फ्रेंड्स, मी आज तुम्हा सर्वांना माझ्या ह्या जगातल्या एका खूप खूप जास्ती आवडत्या जागेबद्दल आणि टीचर्सबद्दल सांगणार आहे। सो आता तुम्हाला सगळ्यांना एक जागा म्हणजे एखादं हिल स्टेशन, एखादा पिकनिक पॉईंट, एखादी स्टेट किंवा एखादी कंट्री असं वाटलं असेल, आणि टीचर्स म्हणजे स्कूल टीचर्स असं वाटलं असेल,
पण आय एम सॉरी, तसं नाही आहे. माझी या जगातली सर्वात जास्त आवडती जागा म्हणजे कोरिओग्राफर्स डान्स इन्स्टिट्यूट. हो, हीच माझी खूप जास्ती आवडती जागा आहे जिथे मी कधीही जाऊ शकते, अगदी कधीही. सी डी आय म्हणजेच कोरिओग्राफर्स डान्स इन्स्टिट्यूट. सो सी डी आय हे माझ्यासाठी फक्त एक इन्स्टिट्यूट नाही आहे, तर ते माझ्यासाठी एक नृत्याचं, कलेचं मंदिर आहे जिथे मी डान्स शिकते. काही लोकांना डान्स म्हणजे नक्की काय हे समजलेलंच नाही. त्यांना डान्स म्हणजे फक्त जस्ट एक सॉन्ग प्ले करायचं आणि त्याच्यावर नाचायचं हाच डान्स वाटतो. किंवा एखाद्या लग्नाच्या वरातीत नाच जो करतात, गणपतीच्या मिरवणुकीत जो करतात, तो धांगडधिंगावाला डान्स वाटतो. पण लोकांना हे माहितीच नाही आहे की जसं आपण आपलं स्कूल मध्ये गेल्यावर ए बी सी डी आणि अ आई पासून शिकायला सुरुवात करतो, तसंच डान्स पण बेसिक्स पासून शिकायचा असतो हे लोकांना माहितीच नाही आहे. कारण की त्यांना फक्त डान्स म्हणजे धांगडधिंगावाला डान्स एवढंच माहिती. मलाही ऍक्च्युली डान्स म्हणजे नक्की काय हे सी डी आय मध्ये गेल्यावरच समजलंय. कारण सी डी आय मध्ये जेवढ्या चांगल्या पद्धतीने डान्स शिकवला जातो तसा डान्स कुठेच नाही शिकवला जात, कुठेच नाही. मला नाही वाटत की सी डी आय सारखी इन्स्टिट्यूट कुठे असेल. ये जो आपने अभी वीडियो देखा, प्योर एक फीडबैक था जो मेरे से एक स्टूडेंट ने मुझे भेजा था कि, और यही तो है जो मैंने कमाया है. पैसा तो कोई भिखारी भी रस्ते का कमा देगा भीख मांग के, लेकिन ये जो रिस्पेक्ट है जो आप लोगों ने मुझे दी है, इट इज अनकाउंटेबल, इट इज एन अमेजिंग इन इंफिनिटी ऑफ माई स्टोन अचीवमेंट ऑफ माई लाइफ. दैट इज वी कांट what you said, counting amount or number. Thank you for loving me so much and respecting me and accepting me as your teacher. I'm glad to have students like you. God bless you, all my friends, and especially Snigdha, who have just made this feedback, and this is amazing moment for me. आई होप आपको समझ में आया होगा कुछ, और कुछ बुरा लगा तो आई एम सॉरी, बट लाइफ इज फॉर वन टाइम एंड प्लीज डोंट वेस्ट बाय लिसनिंग अदर्स. फॉलो योर हार्ट, फॉलो योर ड्रीम एंड अचीव व्हाट यू वांट टू डू. सो साइनिंग ऑफ, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गिविंग योर लव. अब मिलते हैं और एक नए सीजन में बहुत ही जल्द. तब तक के लिए कीप डांसिंग, स्टे सेफ, बी हैप्पी एंड ऑलवेज कीप डांसिंग एंड फॉलो योर ड्रीम्स. बाय बाय, सी यू सून.